लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल यादव जी हैं, तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि माननीय प्रकाश राजभर जी का जो कार्यक्रम लगा है वंचित समाज चेतना सम्मेलन, तो उसमें ये कार्यक्रम में कैसा सर को फीलिंग हो रही है? सर आपको हमारे सर का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत बधाई है। कैसा प्रतीत हो रहा है इस कार्यक्रम में आकर सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं लोकगीत विराह गायक हीरालाल यादव जौनपुर के धरती से वर्सोवा विधानसभा से सोहेलदेव पार्टी से अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे माननीय श्री बाबुलनाथ यादव के नेतृत्व में मैं यहाँ आया और ये पद भी मुझे मिला है और ओम प्रकाश राजभर जी का भी आगमन हुआ, काफ़ी यहाँ तादाद में लोग एकत्रित भी हुए और बहुत ही सम्मान व्यक्त किए और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके भी। और हर चीज़ हम लोग सोच रहे हैं कंधा से कंधा मिला के साहब जी के साथ चले और इस पार्टी को और मजबूती बनाए ताकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चे जो आज के दिन गरीबी झेल रहे हैं वो गरीबी न आए। और जाना चाहेंगे माननीय बाबूलाल जी से, आपको कितना सांस्कृतिक लाइन में सपोर्ट मिल रहा है? कुछ कमियाँ तो नहीं? ये सभी कलाकारों को अंबिका अखाड़े से, एक हम लोग का संस्था अंबिका अखाड़ा, गणेश अखाड़ा, गुरु गणेश अखाड़ा, रमन अखाड़ा, पत्तू अखाड़ा, तो ऐसे तमाम अखाड़े गुरु बिहारी परिवार से जुड़े हुए हैं जिसमें कि बाबुलनाथ चेयरमैन विराह के अंबिका अखाड़े से विराह के चेयरमैन श्री बाबुलनाथ यादव जी के नेतृत्व में हम लोग महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कार्यक्रम कोई ना कोई पार्टी से कार्यक्रम मिलता रहता है हम लोग को। ऐसे महान मूर्ति को हम तहे दिल से प्रणाम नमस्कार करते हैं और इस चैनल को भी तहे दिल से नमस्कार प्रणाम। हमारे तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामना है कि आप लोग ऐसे तरक्की करें और आगे बढ़ें। जी।